नमस्कार मित्रों, नया साल 2016 लगभग लगभग आ ही चुका है, या यूं कहें कि अब कुछ घंटों में आने वाला है। मैं आपको इस बार कुछ अलग तरीके से राशिफल बताऊंगा। कुछ एपिसोड्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं जिसमें आपको हम इन जनरल राशि प्रेडिक्शन देंगे, आपकी राशि के अनुसार सामान्य रूप से ये साल नया साल कैसा रहने वाला है। फिर हम आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि आने वाले 2016 में आपका फिनांस यानी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। फिर कुछ अलग एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पारिवारिक पक्ष कैसा होगा, यानी आपकी फैमिली और रिलेशनशिप के मामले में 2016 कैसा होगा, आपका करियर कैसा चलेगा। तो यूं कहें इस बार हम आपको अलग अलग तरीके से बहुत विस्तारित, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले। साथ ही साथ एक विशेष एपिसोड मैं बना रहा हूं जिसमें आपकी राशि के, खासतौर पर आपकी राशि के अनुसार आप ऐसे कौन से उपाय करें जिससे 2016 आपके लिए बेहतर हो जाए, ये जानकारी भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो आप निरंतर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप देखते रहिए, आपको सारी जानकारी यहां मिलेगी। और यही वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छे वीडियो, जानकारी वाले वीडियो निरंतर देखते रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मेरी टीम वीडियो अपलोड करेगी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। धन्यवाद, आपका 2016 बेहतर हो। शुभकामनाओं के साथ मैं आपका वैभव नाथ शर्मा। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभव नाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभव नाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। अब बारी आ जाती है मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी अपनी निजी जिंदगी में, यानी व्यक्तिगत आपके अपने जीवन में, आपको उतनी शांति और सुख नहीं प्राप्त होगा जितने की आप उम्मीद करते थे। जीवन साथी और परिजनों के साथ तनाव और टकराव की स्थिति सामने आ सकती है जिसके कारण परिवार का माहौल बिगड़ने की संभावना आपके लिए बनती है। अपनी वाणी में आपको संयम बरतना, अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना, बॉडी लैंग्वेज को, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करना, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है, वरना इसके बहुत भयावह और बहुत दुखद परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात कर लें तो सरदर्द, इनडाइजेशन, बदहजमी यानी एसिडिटी, इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है। साथ ही साथ मानसिक तनाव, चिंता भी आपके दिल और दिमाग पर, मन पर हावी रहे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। इन सारी परिस्थितियों के चलते आपका ओवरऑल जो स्वास्थ्य, जो हेल्थ की स्थिति है वो बिगड़ा रहने वाला है, यानी मेंटल टेंशन, प्रेशर, एसिडिटी, इन सारी चीजों से आपकी हेल्थ कुछ ज्यादा बिगड़ सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। यदि आपके ऊपर राहु केतु की दशा आपकी कुंडली से नहीं चल रही है तो आपको इस साल में 2016 में लाभ होना निश्चित है, उससे तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। नौकरी पेशा लोगों को भी अत्यधिक लाभ मिलेगा और प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। कुछ लोगों को नई नौकरी मिलेगी और ऐसी ही स्थिति व्यापारी वर्ग के लिए भी रहने वाली है। उन्हें सरकारी ठेके भी मिल सकते हैं जो बिल्डर का काम करते हैं या इस तरीके के कंस्ट्रक्शन के कामों से जुड़े हुए हैं, तो सरकारी ठेका, टेंडर ये आपको मिले, ऐसे लक्षण बनते हैं। और मुनाफे का सौदा ये आपके लिए सिद्ध होने जा रहा है। ये साल मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से भी पहले से बहुत बेहतर सिद्ध होगा। कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये साल आपके बेहतरीन सालों में से एक साल रहने वाला है।